आज रात लगभग 4 बजे के आसपास श्रीनगर के डल लेक के अंदर आग नमूदार हुई है और आग इतनी भयानक थी कि 4-5 हाउस बोटों को उसने खाकिस्तर कर दिया और 8 हट्स को जो है अपनी लपेट में लेकर खाकिस्तर कर दिया है। लगभग 4 बजे के आसपास ये आग नमूदार हुई है श्रीनगर के इंटीरियर डल लेक में। बिल्कुल हम मौजूद है यहाँ पे और यहाँ पे जो है 4 बजे के आसपास आग लग चुकी है, जिसके बाद 5 हाउस बोट्स जो कमर्शियल हाउस बोट्स थे वो खाकिस्तर हुए हैं और 8 हट जो है पूरी तरीके से जलकर राख हुए हैं। आपको बताएं उसके बाद फायर इमरजेंसी का अमला पहुंचा है और इस आग को बुझाने में वो कामयाब हो चुके हैं। लगातार आग के वारदात वादी कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं और विंटर्स अब आ रहे हैं, लोग हीटिंग अप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं जो वबाली जान भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ श्रीनगर के फेमस डल लेक में जहाँ पे 5 कमर्शियल जो यहाँ पे हाउस बोट्स है वो पूरी तरीके से खाकिस्तर हो चुके हैं और 8 हट्स जहाँ पे लोग रहते थे, बस्ती थी वहां पे लोग जो है अपनी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, 8 हट्स जो है पूरी तरीके से जो है खाकिस्तर हो चुके हैं। बिल्कुल हम मौजूद है श्रीनगर के डल लेक में और यहाँ पे आज लगभग 4 बजे के आसपास जो है आग नमूदार हुई है और उसके बाद 5 कमर्शियल जो हाउस बोट्स है वो खाकिस्तर हुए और 8 हट्स जो है पूरी तरीके से खाकिस्तर हो चुके हैं। क्या कुछ ऑफिशियल इसका कह रहा है, डीसी श्रीनगर के साथ साथ हाउस बोट ओनर्स के प्रेसिडेंट वो भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम लोग गार्ड नंबर 9 के अपोजिट डल लेक में मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पिछली गुजरी रात एक आग का हादसा वाकया हुआ जिसमें 5 हाउस बोट्स जो डैमेज हुए हैं, काफ़ी सीवियरली डैमेज है, आप देख सकते हैं कुछ बचा नहीं है इन हाउस बोट्स में। और उसके साथ साथ हाउस बोट्स के पीछे जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स थी वो भी आग की जद में आ गई। मौके पर ही उसी वक्त बहुत क्विकली इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए सुबह 5:15 बजे के करीब का हादसा है ये, तो उसी वक्त SDRF पुलिस और बाकी जो फायर इमरजेंसी का अमला है सारे मौके पर आ गए और आग को काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि हाउस बोट का आपको पता है टिपिकल लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, तो एक बार आग लगती है तो विद इन मिनट्स आग जो है पूरी हाउस बोट को खा जाती है। तो लेकिन जो एफर्ट्स हुई पूरे अमले की, यहाँ पर जो हाउस बोट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, बाकी लोग हैं, इन सब ने मिलकर हमारा जो अमला आया फायर इमरजेंसी से, पुलिस से, SDRF से, तो उनके साथ मिलकर कम से कम 4 हाउस बोट्स को यहाँ से इमिजिएटली रेस्क्यू किया गया और सबसे अहम बात के किसी किस्म का जानी नुकसान होने से बचाया गया, तुरंत कार्रवाई की गई और जितने इनमेट्स थे, जितने लोग रह रहे थे टूरिस्ट थे उन हाउस बोट्स के अंदर, तो उनको भी शिफ्ट किया गया इमिजिएटली और 4 मजीद जो हाउस बोट्स थे उनको आग की जद में आने से बचाया गया। तो अमले ने काम किया लेकिन नुकसान है डेफिनेटली इनका, जो हाउस बोट्स आप सामने देख सकते हैं काफी संगीन आगजनी का ये वाकया पेश आया। फैमिली को रिहैबिलिटेट करने के लिए जिला प्रशासन जो है क्या इकदाम उठाया? देखिए मैं खुद आया हूँ यहाँ इस पूरे इशू को असेस करने के लिए और हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी पूरे तरीके से इनकी मदद करेंगे। थैंक यू।